नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, गोविद नेचर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने जो अधिक मास को लेकर एक कथा श्रृंखला प्रारंभ की है, उस माला का ये सातवां अध्याय है। कृपया इसे ध्यान लगा के सुनिए। हे तपोधन, उनका ही प्रश्न और उत्तर सुना रहा हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने ये उचित किया जो मलमास को मेरे समीप लाए। आपकी इससे लोक में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को तुमने अंगीकार कर लिया, इसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव और 6 ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान की शक्ति आदि, जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उसी नाम से यह मास भी प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने सब गुणों से इसे संपन्न किया है। हे मधुसूदन, इसका स्वामी मैं भी स्वयं ही बनता हूँ और इसके नाम के द्वारा भी संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण यह मास ही सब मासों का अधिपति कहलाएगा। यह मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दारिद्र्य से मुक्त हो जाएंगे। अन्य दूसरे मास सकाम है, किंतु मैंने इसे अपने ही समान सर्व लोकों का मोक्षदाता और निष्काम बना दिया है। जो व्यक्ति इस अधिक मास की पूजा करेगा, वह अपनी समस्त कर्मों से मुक्त यानी कि मुक्ति प्राप्त करके निसंदेह मुझे प्राप्त करेगा। वह पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को पा गया। इसको पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल एक मास के पूजन और व्रत से बिना कष्ट के जरा और मृत्यु रहित होकर इस पद को प्राप्त करेंगे। चतुर्मासिक यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहाँ की भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है, किंतु विधि एवं श्रद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा, वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त कर वह जन्म मृत्यु आदि व्याधि एवं जरा आदि से मुक्त होकर इस संसार में जन्म नहीं लेगा। मेरे परम धाम को जो वेद वह धाम बतलाते हैं, जहाँ से फिर आना नहीं होता, सत्य ही है। मैं जो इस मास का स्वामी होता हूँ, उसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया और मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ। हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है। मैं अपने भक्तजनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता, क्योंकि इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। मैं उनकी कामनाएं तो और भी जल्दी पूर्ण करूंगा। जो महा अज्ञान में घिरे व्यक्ति हैं, वे जप दान आदि नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे। वे दुराचारी और भाग्योजीवी दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहेंगे। वे दुष्ट और दुर्भागी होकर जन्म लेंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वे नरक में जाएंगे। जो तृतीय वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे, वे कुंभपाक नामक नरक को प्राप्त होंगे। इस संसार में जन्म लेकर वे पुत्र पौत्रों स्त्री आदि के महान दुख रूप दावा नल में पड़कर जलेंगे। जो भी पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा, वह संपत्ति पुत्र सुख भोगता हुआ अंत में मेरे इस गौलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता ना करें और बैकुंठ लोक पधारें और इसको अपने साथ ले जाएं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेते हुए श्री गरुड़ पर विराजमान होकर बैकुंठ को पधारे। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्मने श्री नारायण नारद संवादे अधिक मासे ऐश्वर्य प्राप्ति नाम सप्तमोध्याय संपूर्ण। दोस्तों, सप्तम अध्याय संपूर्ण हुआ। हम आपसे शीघ्र ही भेंट करेंगे 8वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान विष्णु आपका कल्याण करें।